हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप व्लॉगर लता में आप सभी का स्वागत है। एंड टुडे आई विल शेयर यू हाउ टू अप्लाई आई शेडो इन योर आईज़। सो दिस इज़ आई शेडो किट एंड ये मेरे पास आई शेडो पैलेट है। देर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेड्स एंड मैं आपको बताऊंगी सिंपल एंड बेसिक रूल्स क्या होते हैं आई शेडो लगाने के। तो अभी फर्स्ट आपको जो अप्लाई करना है शेड वो करना है आपको इन दोनों में से, दिस इज़ एंड दैट वन। तो इन दोनों में से आपको कोई सा भी शेड आपको अप्लाई करना है। दीज आर ट्रांजिशन शेड्स होते हैं जो जो कि आइस के ऊपर वाले पार्ट में लगाए जाते हैं। तो मैं अभी लगा के दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है लगाने के बाद। फर्स्ट आपको अपनी आईज़ को, दोनों आईज़ को कंसीलर की हेल्प से सेट कर देना है। दिस इज़ मेबलिन फिट मी का कंसीलर है एंड अच्छे से दोनों आईज़ को आप दोनों आईज़ में लगा के आपको सेट करना है। इफ़ अगर कोई भी आपकी आईज़ में पिगमेंटेशन प्रॉब्लम या तो डल पिगमेंटेशन प्रॉब्लम मीन्स डार्क सर्कल्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स इससे ख़त्म हो जाती हैं एंड आपकी आईज़ में सेम वही कलर आता है जो कि आपने शेड लिया है, जो या तो या जो भी आपने कलर लिया है। तो अभी ये मैं मेबलिन फिट मी का यूज़ कर रही हूँ। अभी देखो मेरी आईज़ कितनी बुरी लग रही है, भूतनी लग रही हूँ मैं। तो इसको मैं सेट कर लेती हूँ अभी अच्छे से। ये ब्लेंडर की हेल्प से मैंने आईज़ को सेट कर लिया है। नेक्स्ट मेबलिन फिट मी का फेस पाउडर से मैंने आईज़ को फिर से अगेन अच्छे से सेट कर लिया है। कंसीलर लगाने के बाद फेस पाउडर से आईज़ को सेट करना है। अभी मैंने ये ब्रश ले लिया है एंड ये ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ, ये वाला, ठीक है। दिस इज़ लाइक लिटिल ऑरेंजिश शेड है। तो ये मैंने अपनी आईज़ में अप्लाई कर लिया है। सेम बोथ आईज़ में। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। फर्स्ट आपको ऊपर अप्लाई करना है, क्रीज लाइन बनानी है। ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आपको इसे ब्लेंड करना है। नेक्स्ट जो शेड मैं ले रही हूँ वो नेक्स्ट शेड मैं ले रही हूँ ये ब्राउन शेड ले रही हूँ। सेम बोथ आईज में, कॉर्नर्स में। मेरा थर्ड कलर एप्लीकेटर की हेल्प से मैं ये लाइट वाला शेड ले रही हूँ। दिस इज थर्ड स्टेप है। अगर कोई एक्सेस आपको बाहर अगर थोड़ा सा फैल गया है तो उसको शेप कर देना है।
सो नाउ मेरे ये मैंने ये आपको बता दिया है कि बेसिकली कैसे आईज़ में आई शेडो अप्लाई किया जाता है. फर्स्ट स्टेप आपको ऊपर की तरफ अपने लाइन क्रिएट करनी है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करना है. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज़ आपको आउटर कॉर्नर पे वी बनाना है, वी अच्छे से क्रिएट करना है. एंड जब आपका आउटर कॉर्नर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको इनर कॉर्नर पे आपको एक कलर फिल करना है. लाइट कलर दोगे तो अच्छा लगता है एंड आउटर कॉर्नर पे हमेशा डार्क कलर देना है. तो ये नाउ मेरा ये आई मेकअप भी रेडी है. तो लास्ट में आपको अपनी आईज़ को सुंदर दिखाने के लिए और ज़्यादा पॉपअप करने के लिए आईलाइनर अप्लाई करना है. एंड ये आफ्टर लाइनर अप्लाई करने के बाद आईज़ का लुक है. तो अगर आपको मेरा ये बेसिक आई शेडो लगाने का तरीका अगर पसंद आया हो, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, हाउ टू अप्लाई आई शेडो, बेसिक ये आई शेडो अप्लाई करने के रूल्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर मी, सब्सक्राइब मी, लाइक मी. थैंक यू सो मच. फिर मिलते रहेंगे. बाय.